हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी एसयूवी कार की जो कि 7 सीटिंग ऑप्शंस के साथ जल्दी भारतीय कार बाजार में लॉन्च होने की तैयारी कर रही है। आजकल भारतीय कार बाजार में जो 7 सीटर कार्स है उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमारे पास काफ़ी कम ही ऑप्शंस ऐसे हैं 7 सीटर कार के। मिडसाइज एसयूवी में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन जो फुल साइज 7 सीटर एसयूवीज है उसमें काफ़ी कम ही ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसे में यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम इन गाड़ियों के डायमेंशंस, प्राइसिंग, लॉन्चिंग डेट, एक्सटीरियर इंटीरियर स्पेसिफिकेशंस की बात करने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। सो बात करते हैं हम नंबर 5th कार की, तो वो है मारुति की XL7। जी हाँ दोस्तों, मारुति की इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में आने वाली कार मारुति XL6 पे बेस्ट मारुति XL7 एक 7 सीटर MPV रहने वाली है। करंट जनरेशन XL6 में आपको 6 सीटिंग ऑप्शन ही देखने को मिलते हैं, यानी कि बीच वाली रो में आपको 2 पायलट सीट्स देखने को मिलती है, लेकिन इस कार में आपको एक बेंच सीट्स देखने को मिलने वाली है, जिससे इस कार में आपको स्पेस काफ़ी तगड़ी मिल सके। बाकी XL7 के इंजन स्पेक्स की बात की जाए तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इसमें आपको K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन फ्रॉम कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, जो कि 1462 cc का हो सकता है, जिसमें 101.565 bhp की पावर, 136.8 Nm का टॉर्क मिल सकता है। फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें आपको 20.27 कैम्पल का माइलेज, 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल सकती है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करते हैं, इसमें आपको पावर स्टेयरिंग, फ्रंट रियर पावर विंडो, एयर कंडीशनर, हीटर, एडजस्टेबल स्टेयरिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल, AC, लो फ्यूल वार्निंग लाइट मिल सकती है। वहीं इस कार में आपको बेसिकली जो फीचर्स है वो थोड़े बहुत एडवांस मिल सकते हैं XL6 से, जैसे कि इसमें आपको सनरूफ कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, और इंटीरियर में थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग लगभग 12 लाख रुपए के आसपास रह सकती है, और इस साल के फेस्टिव सीजन या नवंबर के आसपास ये गाड़ी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एस्टिमेटेड ये लॉन्च हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नेक्स्ट कार की, तो वो है टोयोटो RAV4। जी हाँ दोस्तों, टोयोटो RAV4 भी जल्दी भारतीय कार बाजार में लॉन्च हो सकती है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान इस कार को इंडियन रोड्स पर स्पोर्ट किया गया है, जिससे आप मान सकते हैं कि इन फ्यूचर कंपनी इस कार को भारतीय कार बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये गाड़ी अपने आप में काफ़ी किलर लुक के साथ आती है, और ये गाड़ी काफ़ी लोगों को भारतीय कार बाजार में पसंद है। इस कार की ओवरऑल लुक्स की बात करें तो काफ़ी कर्वी डिज़ाइन के साथ एक स्पोर्टी और SUV की फील देती है। ये बेसिकली जीप कंपास जैसी SUVs को कम्पीट करेगी। वहीं इस कार में आपको 2231 cc का पेट्रोल इंजन मिल सकता है, साथ ही 147 bhp की पावर और 340 Nm का टॉर्क कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का मिल सकता है। बूट स्पेस की बात करें तो लगभग इस गाड़ी का 501 L की बूट स्पेस कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, और 6 L फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी आने वाली है। इस कार में आपको डीजल इंजन भी कंपनी प्रोवाइड करेगी, जो कि टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में आता है। वहीं इस कार में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो कि इंटरनेशनल मार्केट में इस कार में मिलती है, वो आपको भारतीय कार बाजार में भी देखने को मिलने वाली है। डायमेंशंस की बात की जाए गाड़ी की, तो इसमें आपको 4570 mm की ओवरऑल लेंथ मिल जाती है, वहीं 1845 mm की विड्थ मिलती है। वहीं इसमें ओवरऑल हाइट की बात कर तो 1715 mm की ओवरऑल हाइट मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर तो 180 mm कंपनी इस पर ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड कर सकती है। कर्व वेट इसमें आपको 1660 mm का रह सकता है। बेसिकली इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 5 seating कैपेसिटी के साथ आने वाली है। वहीं इस कार में आपको एक तगड़े फीचर्स मिलने वाले, जो कि यह आपको एक कम्प्लीटली प्रीमियम SUV आप इसे मान सकते हैं, यानी कि एक प्रीमियम मिड साइज SUV है। जीप कंपास वाले सेगमेंट में ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है, और सीट्रोन एयरक्रॉस SUV के सेगमेंट में ये कार लॉन्च हो सकती है। इसकी प्राइसिंग लगभग 20 लाख रुपए के आसपास भारतीय कार बाजार में रह सकती है, और लॉन्चिंग की बात करें तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग मंथ में ये गाड़ी भारतीय कार बाजार में आ सकती है। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कार की, तो वह निसान की X-Trail। जी हाँ दोस्तों, निसान X-Trail भी एक प्रॉपर 7 सीटर SUV है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी प्रीमियम कार मानी जाती है अपने सेगमेंट की।
बता दे कि निसान अपने फ्यूचर प्रोडक्ट यानी कि निसान कशकाई और एक्स ट्रेल उसी के साथ जुक इसी तीन एसयूवीज को भारतीय कार बाजार में उतारने वाला है, जिसमें जो निसान की एक्स ट्रेल है वो एक सेवन सीटर एसयूवी है। वहीं बता दें कि ये कम्प्लीटली न्यू रहने वाली और इसका न्यू जनरेशन 2021 में डेब्यूट हुआ था और अभी प्रीमियम वो लगता था। वहीं बात करें इसके व्हीलबेस की तो इसमें आपको 20 mm एडिशनल व्हीलबेस देखने को मिलने वाला है इसकी नेक्स्ट जन कशाकई से। वहीं बता दें कि ये एसयूवी CMF-C प्लेटफॉर्म पे बेस्ट रहने वाली है, जो कि जॉइंटली डेवलप किया गया है रेनॉल्ट और निसान के द्वारा। इस कार में आपको 12.3 inches का ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिलने वाला, जो कि हेड्सअप डिस्प्ले के साथ आता है। वहीं इसमें आपको 12.3 inches का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, डुअल जोन टेम्परेचर, वायरलेस चार्जिंग पैड, पैनोरामिक सनरूफ, लेदर अपहोल्स्ट्री, 360 degree कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, प्रॉपर 7-सीटर एसयूवी ये रहने वाली है। इसमें आपको रियर में भी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। वहीं इसमें आपको एक्सेक्ट तगड़े फीचर्स मिलने वाले हैं, इसका जो इंटीरियर है वो कम्प्लीटली लेदरॉइड रहने वाला है। वहीं गाड़ी में आपको एडास की टेक्नोलॉजी भी इन फ्यूचर कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको 2 powertrain देखने को मिलने वाला है, एक है 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड मोटर जो कि ईपॉक हाइब्रिड पेट्रोल पावरट्रेन के साथ रहने वाला है, जो कि ऑल व्हील ड्राइव के साथ रहने वाली, यानी कि भारतीय कार बाजार में किसी भी टेरेन में आप इसे इजीली चला सकते हैं क्योंकि ये 4x4 एसयूवी रहने वाली है। लुक्स के मामले में भी काफ़ी प्रीमियम लगती है। फ्रंट में आपको गोल स्प्लिट में हेडलैम्प्स देखने को मिलने वाले LED RLs और LED हेडलाइट्स के साथ, वो एक बड़ी निशान की ग्रिल के साथ लोगो देखने को मिलने वाला है। रियर सेक्शन भी काफ़ी प्रीमियम बनाया गया है, इसमें आपको 20 inches के एलॉय व्हील्स भी कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। बता दें कि इसकी प्राइसिंग लगभग 32 लाख रुपए के आसपास रह सकती है। वहीं ये इस साल के फेस्टिव सीजन यानी नवंबर तक भारतीय कार बाजार में लॉन्च होने की तैयारी कर सकती है। लिस्ट में आगे बात करें नेक्स्ट कार की तो वो है हमारी मारुति इंगेज। जी हाँ दोस्तों, मारुति इंगेज भी भारतीय कार बाजार में जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो अगर आप भी एक मारुति की 7-सीटर MPV खरीदना चाहते हैं फुल साइज में तो आप इसे खरीद सकते हैं। बेसिकली ये टोयोटो इनोवा हाईक्रॉस का रीबेच वर्जन है, जो कि भारतीय कार बाजार में तो मारुति सुजुकी रीबेच करके बेचने वाली है। इसमें मेजर कॉस्मेटिक चेंजेस आपको फ्रंट में देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपको विटारा की ग्रिल से इंस्पायर्ड ग्रिल इस कार में देखने को मिलने वाली, सुजुकी के लोगों के साथ बम्पर की डिजाइन थोड़ी सी यूनिक देखने को मिलने वाली। रियर में भी आपको सुजुकी का लोगों के साथ साथ इंगेज की बेजिंग कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। इंटीरियर में भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस के साथ जो स्टेरिंग है उस पर सुजुकी की बेजिंग देखने को मिल सकती है। वहीं इस कार में आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको इनोवा हाईक्रॉस के सिमिलर लेआउट में डैशबोर्ड देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ, एडास डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360 degree कैमरा, हेडसअप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स देखने को मिलने वाली, साथ ही इसमें आपको 10.1 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। इंजन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 2.0 लीटर का हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलने वाला है, जो कि 172 bhp की पावर, 188 Nm का टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलने वाली, साथ ही कंपनी इसमें ECVT यूनिट प्रोवाइड कर सकती है। सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें आपको 6 airbags, ABS विद EBD, TPMS, ISOFIX, ट्रैक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, 3-point सीट बेल्ट्स फॉर ऑल ऑक्यूपेंट्स रहने वाला है। वहीं इस कार में आपको एक तगड़े फीचर्स के साथ मारुति काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कार रहने वाली है और ये नेक्सा प्रीमियम डीलरशिप पे सेल हो सकती है। लगभग प्राइसिंग की बात करें तो 20 से 25 लाख रुपए के बीच में इसकी प्राइसिंग रह सकती है और ये जुलाई 2023 के महीने में लॉन्च होने का ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हो सकती है। लिस्ट में फिफ्थ कार की बात करें तो वह है होंडा की पायलट। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार होंडा अपनी 7-सीटर कार होंडा पायलट को भारतीय कार बाजार में लॉन्च कर सकता है। बेसिकली होंडा पायलट इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकती है, वन ऑफ द बेस्ट SUV मानी जाती है 7-सीटर ऑप्शंस में। वहीं इस कार को इंडिया में भी कंपनी जल्दी लॉन्च कर सकती है। बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में इसके 7 trim कंपनी बेचती है साल 2023 में। वहीं इसमें आपको एक स्पेशल एडिशन ट्रिम भी देखने को मिलता है।
बता दें कि मेजरली इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको 3.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड V6 इंजन मिलता है जो कि 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। काफ़ी बल्की SUV जिसमें फीचर्स तो आपको लोडेड मिल रही है, उसके साथ साथ इस कार में आपको काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन मिल जाती है। इंटीरियर में आपको 12 inches का टस्कन ट्रेन सिस्टम, काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है। बेसिकली ये 4-wheel ड्राइव है, यानी कि ये 4x4 ऑप्शंस के साथ आती है। इसमें आपको कंपेरेटिवली इसके कॉम्पिटिटर से काफ़ी बड़ा सनरूफ भी प्रोवाइड हो जाता है। इसमें आपको 20 inches के एलोविल्स कंपनी प्रोवाइड कर सकती है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में, जो कि डायमंड कट रह सकते हैं। US मार्केट में इसका बेस मॉडल लगभग 24 लाख का मिलता है और टॉप एंड वेरियंट 37 लाख रुपीज का मिलता है। कंपनी इसे CKD और SKD यूनिट में इंडिया में लॉन्च कर सकती है। बता दें कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में इसकी प्राइसिंग लगभग 46 लाख के आसपास रह सकती है। वहीं इसमें आपको इंजन ऑप्शन भी थोड़ा कम सीसी का मिल सकता है। वहीं लुक्स की बात है तो फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ी ग्रिल, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के साथ साथ हेडसअप डिस्प्ले भी कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ा बम्पर, उसी के साथ साथ LED हेडलैम्प्स मिल सकता है। साइड में आपको काफ़ी बड़ी बड़ी विंडो के साथ क्रोम लाइनिंग कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। और रियर सेक्शन में भी आपको बड़ी टेल लैंप्स के साथ साथ 4-wheel ड्राइव का ऑप्शंस, 4-wheel ड्राइव की बैजिंग कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। साथ ही इसमें आपको ऑटो फोल्ड एंड फोल्ड मिरर्स कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। फीचर्स के मामले में गाड़ी अप टू द मार्क रहने वाली है। बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में इसके ओवरऑल जो इंजन है उसकी बात की जाए तो इसमें आपको 3.5 लीटर का V6 24 वोल्ट्स SOHC हाईवीटेक इंजन मिलता है, जो कि 280 BHP की पावर, 355 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिसमें आपको 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलने वाला है। ये फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। टॉप स्पीड इसकी 205 km/h है, 9 km का माइलेज देती है। साथ ही इसमें आपको डायमेंशंस की बात की जाए तो इसमें आपको 4968 mm की लेंथ मिलती है, 1996 mm की विड्थ मिल जाती है, 1793 mm की हाइट मिलती है। 8-seating कैपेसिटी के साथ गाड़ी आती है और ये 73.8 liters की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको प्रोवाइड कर देती है। की फीचर्स की बात करते हैं, इसमें आपको होंडा सेंसिंग सेफ्टी ड्राइवर असिस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पावर टेलगेट, कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लैंड कीप असिस्ट सिस्टम, ऑटो हाई बीम हेडलाइट्स, मल्टी एंगल रियर व्यू कैमरा, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन विद ब्रेक असिस्ट, फ्रंट साइड 3-row साइड ऑल एयरबैग्स, 8 inches टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड ऑटो एप्पल कारप्ले, ट्राई जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक डिमिंग रियर व्यू मिरर, 1-touch सेकेंड रो सीट्स, फ्रंट हीटेड सीट्स, LED फॉग लाइट्स मिल जाती है। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में जैसे मैंने बताया इसकी प्राइसिंग 42 लाख रुपीज के आसपास रह सकती है और नेक्स्ट ईयर ये कार भारतीय कार बाजार में लॉन्च होने की उम्मीद बताई जा रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी टॉप 5 7-seater कार जो कि भारतीय कार बाजार में लॉन्च होने की तैयारी कर रही है। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल मिस्टर मोटो BHP को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको हमारी एक और नई वीडियो के साथ जल्द ही। थैंक यू, यू हैव अ वेरी नाइस डे।